हेलो नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग एचआरएमएस मॉड्यूल में अपार सेक्शन में सेल्फ अप्रेजल भरना सीखेंगे। सबसे पहले हम एचआरएमएस में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम क्रोम ब्राउज़र पे गए और यहाँ पे जो है हमें सर्च करना है एच आर एम एस। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया लॉगिन इंडियन रेलवे एचआरएमएस। इसको हमने लॉगिन किया। ये लॉगिन करने के बाद जो है अपना एचआरएमएस जो आपकी आईडी है, यूजर नेम जो है 6 लेटर का है, वो यहाँ पे डालना है सी। जैसा कि मेरा यूजर नेम ये है, जो आपने एचआरएमएस के लिए जो पासवर्ड बनाया है वो आप पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। और इसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है एचआरएमएस में, उस पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी की जो वैलिडिटी होती है 1 हफ्ते होती है। पुनः अगर 1 हफ्ते बाद आप इसमें लॉगिन करते हैं तो दूसरी ओटीपी आएगी। लेकिन 1 हफ्ते तक जो आपको यूज करना है सेम ओटीपी होती है। अगर किसी कारणवश आपको ओटीपी दिखाई नहीं दे रहा है आपके मोबाइल में, तो ऐसे कंडीशंस में आपको टू रिसेंड ओटीपी क्लिक क्लियर पे क्लिक करना है और पुनः आपको ओटीपी आ जाएगी। जैसा कि हमें अपना ओटीपी मालूम है, हमने अपना ओटीपी यहाँ पे इंटर कर दिया और वेरीफाई ओटीपी भी जाके हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रोल असाइन करना है। रोल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ई नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर रोल को असाइन करेंगे और ये असाइन करने के उपरांत जो है अपार सेक्शन में जाएंगे। और अपार में आप कहाँ जाएंगे, सेल्फ अप्रेजल में। सेल्फ अप्रेजल भी यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक करने के उपरांत जो है देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख के आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके डीलिंग क्लर्क के द्वारा भरा गया है। इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से चेक कर लें। अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, डिपार्टमेंट, स्टेशन कोड, डेजिग्नेशन अपना, अपना बेसिक पे, डेट ऑफ कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट ग्रेड, आप प्रेजेंट ग्रेड में किस डेट को आए हैं, आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, जो टाइप ऑफ ऑफिसर्स हैं किस प्रकार के हैं, परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं, एजुकेशन अपना चेक कर लें। और कम्युनिटी, कम्युनिटी में जनरल ओबीसी एसटी एससी जो भी आप कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे गलती मिलती है तो उसके लिए क्या करना है। अगर यहाँ पे कुछ आपको गलती मिलती है, कोई गलत चीज़ फिट कर दी गई है, डेट ऑफ बर्थ, स्टेशन इत्यादि जो भी है, तो आपको सेल्फ असेसमेंट में जाना है। और सेल्फ असेसमेंट में जाकर सबसे नीचे आना है जहाँ लिखा हुआ रिटर्न। लेकिन रिटर्न जो है ऐसे नहीं होगा, रिटर्न रिमार्क यहाँ डालना पड़ेगा। रिटर्न रिमार्क में जो भी चीज़ आपको गलत मिली है यहाँ पे, जो डीसी के द्वारा गलत फिट किया गया है, वो चीज़ यहाँ पे डाल के इसको रिटर्न कर देनी है। अगर सभी चीज़ें आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन में सही हैं तो आपको सेल्फ असेसमेंट में आकर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज 1/4/2020 से 31/3/2021 तक जो आपको ड्यूटी दी गई है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको भरना है। ये भरने के उपरांत जो है यहाँ पे देख रहे हैं वर्क डन फ्रॉम
ये जो है डिफॉल्ट रूप से आपकी डेट आ जाती है, इस डेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, ये डिफॉल्ट रूप से ये आपकी इस सॉफ्टवेयर में ये ले लेता है। इसके बाद जो है आपको और क्या डालना है, 1/4/2020 से 31/3/2021 तक आपने कोई अचीवमेंट स्पेशल काम किया है तो इस कॉलम में आपको डाल देनी है। प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिटेड इन टाइम, प्रॉपर्टी रिटर्न आपने टाइम से सबमिट किया है कि नहीं, अगर टाइम से सबमिट किया तो यस, नहीं किया तो नो, अगर अप्लीकेबल नहीं है तो एन ए नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद जो है आपको सीधे यहां से डेटा को सबमिट नहीं करना है, सेव ए ड्राफ्ट कर लेनी है। क्या करनी है, सेव ए ड्राफ्ट कर लेनी है, और सेव ए ड्राफ्ट करने के बाद पुनः एक बार हमें अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, और चेक करने के बाद जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए तो उसको सबमिट कर देना चाहिए। ये सबमिट करने के बाद जो है आपकी डेटा जो है आरी के पास जाएगी, आरी जो है फॉरवर्ड करेंगे आरबी के पास, और आरबी जो फाइनली फॉरवर्ड करते हैं आरए के पास, एसेटिंग अथॉरिटी के पास। तो शायद आप लोग आसानी से इस वीडियो के माध्यम से अपना फाइल जो है सेल्फ अप्रेजल आप लोग भर लेंगे। धन्यवाद सबको, पुनः नमस्कार।